पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र के अभिमान से व्यथित होकर भगवान बृहस्पति ने देवलोक छोड़ दिया और इसका लाभ उठाकर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रलोक पर हमला कर देवलोक पर अधिकार जमा लिया। इसके साथ एक ऋषि ने इंद्र के कृत्य से रुष्ट होकर व्रतासुर नाम का राक्षस प्रकट किया, जिसने पूरे देवलोक को पराजित करके भयभीत कर दिया था। पराजय से दुखी होकर इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि व्रतासुर को हराने के लिए महर्षि दधीचि की सहायता लेनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि किसी तपस्वी की अस्थियों से बनाया गया वज्र ही व्रतासुर का वध कर सकता है और इसके लिए महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां दान कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवता दधीचि के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताते हुए उनसे अस्थियों की मांग की। महर्षि दधीचि को भगवान शिव से अस्थि वज्र का वरदान प्राप्त था और परोपकार की भावना से दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान करना स्वीकार किया और ऐसे ही अंत में दैत्य व्रतासुर का अंत हुआ।